हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह के बारे में, जिसमें देखेंगे कि जो 1857 के विद्रोह के बारे में जो इतिहासकारों ने लिखा है और उनके जो मत हैं कि 1857 क्रांति के बारे में उन्होंने क्या कहा। ठीक है, तो जो 1857 की क्रांति के जो पुस्तकें हैं और उसमें जो इतिहासकारों ने क्या क्या कहा, ठीक है, तो उसको हम लोग आज यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को 1857 की क्रांति के विद्रोह पर एक प्रॉपर लेक्चर चाहिए, एक विस्तार से लेक्चर चाहिए और 1857 क्रांति के हर एक पहलू को वहाँ पर देखा जाए, जिसमें सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और धार्मिक कारण हैं, तत्कालिक और दीर्घकालिक कारणों को देखा जाए और 1857 क्रांति के जो परिणाम निकल कर आते हैं, जो महत्वपूर्ण भूमिकाएँ हैं 1857 क्रांति के, और जो 1857 की क्रांति के जो देन है भारत में उसके बारे में देखा जाए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ। ठीक है, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को बढ़ाने में आप लोग अपना सहयोग प्रदान करें। ठीक है, देखते हैं। सर जॉन लॉरेंस वो सीले, ठीक है, दो इतिहासकार हैं। इन्होंने क्या कहा था कि यह एक पूर्णतया सिपाही विद्रोह है। ठीक है, सिपाही विद्रोह है। ठीक है, इस तरह से स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछता है कि यह वाक्य जो है किसका है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद इन्होंने क्या कहा था, यह एक स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं के मालेसन। ठीक, इन्होंने क्या कहा, यह एक सामंतवादी प्रतिक्रिया है। ठीक है, या तो आप लोग इसे नोट करते चलिए या आप लोग इसे इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, ये आप लोगों का एग्जाम में बहुत मदद करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा इन्होंने कहा कि यह जो विद्रोह है एक जन क्रांति है। ठीक है, यह एक जन क्रांति है। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं बेंजामिन डिजराइली। ठीक, इन्होंने कहा यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। ठीक है, ये आपके जो इतिहासकार हैं उनके मत हैं। और आगे देखिए जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर। ठीक है, इन लोगों ने क्या कहा कि यह जो विद्रोह है यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का एक षड्यंत्र है। इनका कहना था कि जो 1857 की क्रांति का विद्रोह है वह हिंदू और मुसलमान अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का एक षड्यंत्र है। ठीक है, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का एक षड्यंत्र है, एक
एक षड्यंत्र है, ठीक है, षड्यंत्र है। फिर एल ई आर रिज, ठीक है, एल ई आर रिज, इन्होंने क्या कहा कि यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध है, ठीक है, ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध है, विरुद्ध एक धर्म युद्ध है, ठीक है। इनके स्टेटमेंट से तो लग रहा है कि एक पादरी है वहाँ के ब्रिटेन के, ठीक है। फिर उसके बाद टी आर होम्स, टी आर होम्स, अब देखेंगे कि जो इतिहासकार हैं उन्होंने अपने हिसाब से, जो उन लोगों का मत है वो अपने हिसाब से भारतीयों के लिए बोला है, ठीक है। और यही सी बात है कि जिसके विरुद्ध हुआ है तो वो कभी भी अच्छा बोलेगा ही नहीं। अगर अंग्रेज़ों के विरुद्ध यह विद्रोह हुआ है तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेज़ वहाँ पर उसके बारे में अच्छा नहीं बोलेंगे, ठीक है, और वो मानने के लिए भी तैयार नहीं होंगे कि यह एक विद्रोह है, स्वतंत्रता संघर्ष है, ठीक है। टी आर होम्स ने कहा यह विद्रोह जो है सभ्यता और बर्बरता का एक संघर्ष था, ठीक है। इन्होंने कहा यह विद्रोह जो है सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था, ठीक है, संघर्ष था, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं वीडी सावरकर, वीडी सावरकर, ठीक, और इनके मत का जो समर्थन किया था उनका नाम है अशोक मेहता, अशोक मेहता। वीडी सावरकर ने कहा कि यह विद्रोह जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित युद्ध था, ठीक है। वीडी सावरकर ने कहा कि यह विद्रोह जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित युद्ध, ठीक है, एक सुनियोजित युद्ध। नियोजित युद्ध था, ठीक है। इन्होंने, वीडी सावरकर ने ही पहली बार इसको 1857 क्रांति को भारत का स्वतंत्रता संघर्ष बोला है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो है इनकी एक पुस्तक है, ठीक है, उसी पुस्तक में इसे इन्होंने 1857 क्रांति को भारत का राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष बोला। आगे देखिए आर सी मजुमदार, इनकी तो बातें निराली है, ठीक है। इन्होंने इसे न ही राष्ट्रीय संग्राम माना, न तो यह राष्ट्रीय संग्राम है, और यह न ही स्वतंत्रता संघर्ष है, न तो स्वतंत्रता संघर्ष है, स्वतंत्रता संघर्ष है, ठीक है। ये मत है जो है आपका आर सी मजुमदार का है, ठीक। फिर उसके बाद देखिए पी रॉबर्टसन, इन्होंने कहा कि 1857 का जो विद्रोह है वो एक सैनिक विद्रोह था, ठीक, और जिसका जो तत्कालिक कारण है वो चर्बीयुक्त कारतूस था, ठीक है। इनका मानना है कि जो 1857 का विद्रोह है वह एक सैनिक विद्रोह था, सैनिक विद्रोह था, जिसका तत्कालिक कारण जो है वो चर्बीयुक्त कारतूस थे, चर्बीयुक्त कारतूस थे, ठीक। यहाँ पे आपके 1857 के विद्रोह से संबंधित जो इतिहासकारों के मत हैं
वो आपके कम हो गया, पूरा हो गया। ठीक है, अगर आप लोगों को 1857 की क्रांति पर प्रॉपर लेक्चर चाहिए और विस्तार से लेक्चर चाहिए जिसमें हर एक 1857 क्रांति के हर एक पहलू को देखा जाए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर सुझाव अपने दे सकते हैं। ठीक है, यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।